राजस्थान में कछुआओं का प्रवेश। नरवर के कछुआ शासक सोरदेव के पुत्र दुलेराय का विवाह राजस्थान के मोरा के चौहान शासक रालन सिंह की पुत्री से हुआ था। दोसा चौहान और बड़गुजरों में आधा आधा बंटा हुआ था। चौहान और बड़गुजरों में आए दिन अनबन होती रहती थी तथा एक दूसरे का हिस्सा दबाने पर दोनों ही उतारू थे। चौहानों ने दुलेराय को संदेश भेजा कि आप राजस्थान आ जाएं तो हम हमारा दोसा का आधा हिस्सा आपको दे देंगे तथा बड़गुजरों से आधा हिस्सा अधिकृत करने में आपकी सब तरह से मदद करेंगे। चौहानों का यह निमंत्रण पाकर दुलेराय मध्य प्रदेश से राजस्थान आए और चौहानों की मदद से दोसा पर अधिकार कर लिया। बड़गुजरों में उस समय देवती के राजा प्रमुख थे, इसलिए बड़गुजरों ने वहां जाकर पुकार की। इस पर देवती की सेना दोसा आ गई, जिसे दुलेराय ने परास्त करके भगा दिया। उस समय दोसा के आसपास मीणों के कई छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें आमेर का राजा मुखिया था। कछुआओं ने सबसे पहले भांडारेज के मीणा राज्य पर आक्रमण कर उससे अपने अधिकार में ले लिया। भांडारेज के मीणा राज्य को विजय करने के पश्चात दुलेराय का मांच के मीणा राजा राव नाथू से मुकाबला हुआ। इस युद्ध में कछुआओं की सेना का भारी नुकसान हुआ तथा कई योद्धा युद्ध में मारे गए। दुलेराय स्वयं इस युद्ध में भयंकर रूप से घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। सचेत होने पर उसे कुलदेवी जमवाई के दर्शन हुए, जिसके आदेशानुसार पुनः आक्रमण किया गया। मीणे जीत की खुशी मना रहे थे और शराब पीने में मस्त थे। इस अप्रत्याशित आक्रमण से सब मीणे हतप्रभ हो गए और दुलेराय ने मांच पर अधिकार कर लिया तथा अपनी कुलदेवी एवं अपने पूर्वज भगवान राम के नाम पर मांच का नाम बदलकर जमवा रामगढ़ रख दिया। दुलेराय जिस स्थान पर मूर्छित होकर गिरे थे, वहां उन्हें जमवाई माता के दर्शन हुए थे। वहीं पर जमवाई माता का मंदिर उनकी स्मृति में बनाया गया, जहां पर कछुओं के जाए जन्मे और पढ़ने की याद आज भी लगती है। मांच का मीणा राज्य जीत कर दुलेराय जी अपनी राजधानी मांच ले आए, लेकिन दुलेराय के लिए बड़गुजरों का खतरा भी बराबर बना हुआ था। इसलिए दुलेराय ने बड़गुजरों के प्रमुख राज्य देवती पर चढ़ाई की। वहां भीषण युद्ध हुआ। विजयश्री दुलेराय को प्राप्त हुई और बड़गुजरों के दो दुर्ग भी इनके अधिकार में आ गए। बड़गुजरों को हराकर दुलेराय ने फिर मीणों पर चढ़ाई की। पहले उसने चांदा वंश के मीणा आलणसी से खो का राज्य लिया तथा फिर मीणों के गेटोर झोटवाड़ा आदि नाडला वंश के राज्य भी विजय किए। के बाद दुलेराय जी ने अपनी राजधानी मान से खो ले आए। राजस्थान में समय अजमेर के चौहानों की शक्ति बढ़ रही थी और लगभग संपूर्ण राजस्थान पर उनका प्रभुत्व छा चुका था। दुलेराय का चौहानों में ही विवाह हुआ था तथा उनकी मदद से ही उन्होंने नया राज्य कायम किया था, इसलिए चौहानों से इनके संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। मीणा राज्य पूर्वी विजय से दुलेराय की ख्याति सर्वत्र फैल चुकी थी। इसी समय ग्वालियर पर किसी शत्रु ने आक्रमण किया, तब दुलेराय ग्वालियर के राजा की मदद पर वहां गए। वहां के युद्ध में विजय तो उनकी रही, परंतु ये युद्ध में अत्यधिक घायल हो गए। उन्हीं गांवों की वजह से ईस्वी 1135 में इनकी खो में मृत्यु हो गई, जहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। दुलेराय का राजस्थान में आने का समय करीबन ईस्वी 1128 माना गया है। दुलेराय की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र कांकल जी 1133 में खो की गद्दी पर बैठे। उस समय आमेर पर सुसावत मीणों का राज्य था। दुलेराय जी का मीणों के साथ काफी संघर्ष हो चुका था, अतः उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक मीणों के मुख्य राज्य आमेर पर अधिकार न कर लिया जाए, तब तक चैन से नहीं बैठ सकेंगे। इस कारण से उन्होंने आमेर पर चढ़ाई की और मीणों को परास्त करके आमेर पर अधिकार कर लिया। उस समय आमेर से उत्तर की ओर मेड बेराट में यदुवंशी राजपूतों का राज्य था। कांकल जी ने उन्हें भी परास्त किया और भामोद के पहाड़ पर गढ़ बनाया तथा उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। कांकल जी ने कुल 2 साल राज्य किया और इनका पूरा समय युद्धों में ही बीता। कांकल जी के पश्चात उनके पुत्र हनुदेव जी आमेर के राजा हुए। इनके पिता कांकल जी ने आमेर के मीणा राज्य को विजय किया था, परंतु उन्होंने बहुत ही कम राज्य किया। इस कारण वह मीणों की शक्ति को पूर्णतया समाप्त नहीं कर पाए थे तथा मीणा अपना खोया राज्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। हनुदेव जी से भी मीणों का संघर्ष चलता रहा। राजा हनुदेव जी के समय चौहान शासक शक्तिशाली बन चुके थे। अनुराज चौहान इस समय चौहान राज्य के स्वामी थे। इन पर गजनी के शासक शहाबुद्दीन ने अजमेर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राजा हनुदेव जी ने चौहानों की ओर से बड़ी वीरता से युद्ध किया था। इस युद्ध के अंत में राजपूतों की विजय हुई थी, शत्रु सेना की हार हुई थी। राजा हनुदेव जी चौहानों के सहयोगी के रूप में रहे थे। इन्होंने चौहानों की ओर से बहुत से युद्ध में भाग लिया था। राजा हनुदेव जी की मृत्यु के पश्चात जाहणदेव जी आमेर की गद्दी पर बैठे। इनका भी मीणों से संघर्ष चलता रहा। एक बार भूडवाड़ के चौहानों के यहाँ विवाह के लिए जाते समय मीणों ने इन पर अचानक भीषण आक्रमण कर दिया, परंतु इन्होंने मीणों को पराजित करके उनकी ताकत को संपूर्णतया कुचल दिया। यह भी अजमेर के चौहान राजाओं के सहयोगी के रूप में रहे और समय समय पर उनको सैनिक सहायता दी। इनके समय तक आमेर राज्य मीणों से पूर्णतया मुक्त हो गया और अब आमेर का राज्य कछुआओं की शक्ति का मजबूत केंद्र बन गया, जिसको परास्त करना किसी शक्तिशाली शासक के लिए भी
ऐसा नहीं था। इन आमेर के कछुआओं को चौहानों का पूरा सहयोग मिला, जिससे यह आमेर पर पैर जमाने में कामयाब रहे। आमेर राज्य सूर्यवंशी कछुआ राजपूतों की अमूल्य धरोहर रहा है। राजस्थान में आमेर का राज्य कछुआ वंश की प्रमुख राजधानी रही है और इनकी राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका रही है। आमेर रियासत की मुगल काल में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ के सूर्यवंशी कछुआ राजाओं ने चारों ओर अपनी वीरता व साहस का डंका बजाया था। बाद में आमेर रियासत के प्रसिद्ध राजा सवाई जय सिंह जी द्वितीय ने आमेर से मात्र 6 मील दूर नियोजित तरीके से अपने नाम पर जयपुर शहर की स्थापना की, जो आज वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है।